मोस्ट आईएमपी सामान्य ज्ञान फोटा साथ है पार्ट छ। तो आनी पहला पार्ट पांच अपलोड थई चुक्या छे, जो जोवाना बाकी होय तो जोई लेजो। आपणे आ वीडियोनी अंदर फोटा साथे जोईशुं, जेथी तमे सरळताथी याद राखी शको अने तमने समजाई शके। केवा प्रश्नो जोईशुं जोईए। जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन बादशाहत कायम, रेकॉर्ड 9वीं बार जीता खिताब। तो 9वीं वखत ऑस्ट्रेलियन ओपननो खिताब जीतनार कोण छे? जोकोविच। तमे फोटोमां जोई शको छो, जोकोविच 9 वखत ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतेलो छे अने आ एनो रेकॉर्ड छे। दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई भी डूब नहीं सकता? तो क्यों एवो सागर छे के जेमां कोई डूबी नहीं सकतु? तो ये छे मृत सागर। तो मृत सागर विषे आपणे वात करीशुं कि मृत सागर में कोईपण व्यक्ति शा माटे नथी डूबतो, एनुं कारण शुं छे, ए बधी माहिती आपणे आजना विडियो में मेळवीशुं। प्लस मिताली राज क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो मिताली राज क्रिकेटनी रमतमां डबल शतक એટલે કે 200 રન પ્લસ કરવાવાળી મહિલા છે મિતાલી રાજ। પૂછવામાં આવે પ્રથમ કોણ છે? તો મિતાલી રાજ છે જેણે ડબલ શતક લગાવી હોય। તો આ રીતના વિડીયો છે, આ રીતના પ્રશ્નો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। નમસ્કાર મિત્રો, હું અરવિંદ મકવાણા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલને પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આપણે રોજે રોજ નવા નવા વિડીયો અને નવી નવી માહિતી મળતી રહે। તો વિડીયોમાં આગળ વધીએ। સબસે પહેલે હે 40 ફીટ ગહેરે નાલે મેં ગીરી બસ કા શીશા તોડકર 20 લોગો કી જાન બચાને વાલે નિહાલ સિંહ કો મિલેગા રાષ્ટ્રપતિ સન્માન। તો આપ ફોટો મેં દેખ સકતે હૈ, યે હૈ નિહાલ સિંહ જો અભી દુર્ઘટના હુઈ થી, 40 ફૂટ ગહેરે ગડ્ઢે મેં બસ ગીર ગઈ થી, ઉસમેં સે गाड़ी का शीशा तोड़ के इन्होंने 20 लोगों की जान बचाई थी। तो इनको कौन सा सम्मान मिलेगा? राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, लेकिन कौन सा वो भी हम बताएंगे। निहाल सिंह को कौन सा पदक दिया जाएगा? जीवन रक्षा पदक। कौन सा पदक दिया जाएगा? जीवन रक्षा पदक। ये है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और जीवन रक्षा पदक याद रखिएगा। जीवन रक्षा पदक की शुरुआत कब से हुई है? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 30 सितंबर 1961 से जीवन रक्षा पदक की शुरुआत हुई है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 3 कैटेगरीज में यह दिया जाता है। सबसे पहले है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षा पदक, और तीसरा है जीवन रक्षा पदक, जो कि निहाल सिंह को जीवन रक्षा पदक मिलेगा। तो ये सारी डिटेल भी याद रखिएगा, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी को स या क कब पढ़ते हैं? अब सी से जो स्पेलिंग स्टार्ट होता है उसको स कब पढ़ा जाए या क कब पढ़ा जाए? जैसे कि सी ए टी केट होता है, और फिर साइबर भी सी से ही होता है, तो वो देखेंगे हम। किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद, याद रखिए सी के बाद आई ई या वाई रहे, तो सी का स को पढ़ा जाता है। तो सी को क्या पढ़ा जाता है? स। क्या होना चाहिए सी के बाद? क्या होना चाहिए? आई ई या वाई। आई ई या वाई होगा तो स पढ़ा जाएगा। जैसे उसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेंटर, साइकिल और सर्कल। तो सी के बाद ई है, वाई है और आई है, तो उसका स होगा। यहां पे देख सकते हैं सेंटर, साइकिल, सर्कल। उसके बाद जो भी वर्ड आते हैं सबको क पढ़ा जाता है। तो ये तीन, मतलब तीन स्पेलिंग नहीं लेकिन ई, वाई और आई, सी के बाद आता है तो स होगा, और उसके बाद कोई भी वर्ड आए या कैसे कुछ भी आए सबको क्या पढ़ा जाएगा? क पढ़ा जाएगा। जैसे कि कैट, सी ए टी केट, सी ओ डब्ल्यू काउ, और क्रिकेट। तो कुछ भी आए तो उसको क पढ़ा जाएगा, और जो आगे हमने देखा उस तरह से स पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था भारत में। दुनिया में पहली बार लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो सबसे पहले किसने लॉकडाउन लगाया था? अमेरिका ने। अभी की बात नहीं है, दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो
आंसर आएगा अमेरिका। दुनिया में पहली बार कर्फ्यू लगाने वाला देश है इंग्लैंड। तो याद रखिए, लॉकडाउन पूछा जाता है तो अमेरिका, कर्फ्यू पूछा जाता है तो इंग्लैंड आएगा। दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई भी डूब नहीं सकता? तो वो है मृत सागर। आप देख सकते हैं फोटो में, पानी में गिरे गिरे पेपर पड़ रहे हैं और तैर रहे हैं, ये डूबते नहीं है। क्यों? आगे देखते हैं हम क्यों नहीं डूबते हैं। इस सागर में कोई डूबता क्यों नहीं? आंसर है, इस सागर में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई डूबता नहीं है। तो इसमें बहुत सारा नमक है, जो सामान्य सागर होते हैं उससे 10 गुना से भी ज्यादा नमक इस सागर में पाया जाता है, इसलिए कोई डूबता नहीं है, क्योंकि उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। इस सागर में एक आम सागर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कोई डूबता नहीं है। मृत सागर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर जो है वो एशिया में स्थित है। कहां पे है? एशिया में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल है। ये है रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की कप्तान। सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? तो वेनेजुएला में मिलता है सबसे सस्ता। कहां पे? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में पेट्रोल क्या कीमत है? पेट्रोल की कीमत क्या है? लगभग 1.45 रुपीस पर लीटर, तो 1.5 रुपए से भी कम में लीटर यहां पे मिलता है वेनेजुएला में। सबसे महंगा पेट्रोल किस देश में मिलता है? हांगकांग में मिलता है। कहां पे? हांगकांग में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली है। आप फोटो में देख सकते हैं विराट कोहली को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। तो ये है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अभी जो है वर्तमान में कप्तान है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी जो गेम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बात करें कबड्डी की, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की जो खो खो का जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो और बेसबॉल, बेसबॉल दोनों में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। चांद का वजन लगभग कितना है? तो 81 अरब टन है। कितना है? 81 अरब टन। मिताली राज क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगर पूछा जाए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, नाम आएगा मिताली राज। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, यानी कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ? तो 1914 में ये शुरू हुआ था और 1918 में ये खत्म हो गया। तो 1914 to 1918 प्रथम विश्व युद्ध। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को ये खत्म हुआ था। तो दोनों का जो टाइम है वो याद रखिएगा। प्रथम है 1914 to 1918 और दूसरा है 1939 to 1945। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को आया था। ये आप देख सकते हैं साइमन गो बैक के नारे लगे थे और ब्लैक झंडे जो है लहराए गए थे, आपको सब पता है। साइमन कमीशन 1928। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च जो है वो
1930 में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है वो 12 मार्च 1930 के दिन हुई थी और 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को दांडी मार्च खत्म हुआ था। मतलब 5 अप्रैल को वहां पे पहुंच गए थे दांडी में। ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक था, तो 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग नमक का कानून जो है वो तोड़ा गया था गांधी जी द्वारा। जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में बादशाहत कायम, रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है खिताब। तो 9 बार खिताब जीतने वाले कौन है? जोकोविच। और 2021 में किसने जीता? जोकोविच ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधु थी। कौन थी? आप फोटो देख सकते हैं, तब का फोटो, अब का फोटो, ये है कमलजीत संधु, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। कौन सी निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। पूछा जाए महान चोल मंदिरों का निर्माण किसने किया है? चोल साम्राज्य के राजाओं ने। यह संपूर्ण दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में बना हुआ है। यूनेस्को ने वर्ष 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी। एक बार ट्रक की तरह ट्रेन को भी धक्का देकर चालू किया गया था। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 12 जून 2015 को घटी थी। जैसे ट्रक या फिर कार को जैसे धक्का लगा के चालू किया जाता है, ऐसी ही घटना हमारे भारत में घट चुकी है कि एक ट्रेन को भी धक्का देकर चालू किया गया था। कहां पे? ग्वालियर शहर में। कब? 12 जून 2015। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनोक ने की थी। किसने की थी? जॉब चारनोक ने। द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। किसने की थी? जॉब चारनोक ने इसकी स्थापना की थी। लोक संघ सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। पहली भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? अन्ना जॉर्ज। तो आप देख सकते हैं अन्ना जॉर्ज प्रथम भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर। पहली भारतीय महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। तो फोटो में देख सकते हैं आप, ये किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस वीमन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म किस राज्य में हुआ था? झारखंड में हुआ था। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था, वहां के वो रहने वाले हैं। प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म भी झारखंड में हुआ था। और प्रियंका चोपड़ा आप सब जानते हैं, उसका जन्म भी झारखंड में ही हुआ था। तो ये तीनों जो है वो झारखंड के हैं। अब आपकी टेस्ट, तो यहां पे आपकी टेस्ट ली जाएगी, अच्छी तरह से टेस्ट दीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग विषय के अलग अलग वीडियोज भी देख सकते हैं। बात करते हैं टेस्ट की। प्रथम है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दो ऑप्शन आपको दिया गया है, 1929 और 1901, आपको बताना है कब हुई। दूसरा, अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1750 में या 1776 में? तो कब आजाद हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पिताजी की पत्नी के भाई की माताजी
आपकी क्या लगेगी, सोच के समझ के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही इनका आंसर दे पाएंगे, तो अच्छी तरह से सोच समझ के इसका आंसर दे दीजिए। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दादी, बुआ, नानी या चाची। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो भारत, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, जिसे भी कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो चार ऑप्शन दिया गया है एबीसीडी, आपको पता होना चाहिए एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 80 रुपये के 50% में से 25% खर्च हो जाते हैं, तो बताओ कि कितने रुपए बाकी बचे। अगर आपके पास 80 रुपए है उसका 50% में से 25% खर्च हो जाता है, तो अभी आपके पास कितने बचे हैं वो आपको बताना है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये भी आंसर, इसका आंसर भी मिल जाएगा, इजी है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।